दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो मिक्स नंबर के अंदर हमने एडिशन पहले पिछली बार किया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है मिक्स नंबर के अंदर, ये देखिए, जैसे एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, ए माइनस एक्स वाई, इस फॉर्म में अगर कोई मिक्स नंबर है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बता देता हूँ। जैसे कि ए माइनस वन वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, मतलब क्या है, वाई क्या है डिनोमिनेटर, एक्स है न्यूमरेटर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके समझा जाता है हम लोग, ये दे रखा है 12 माइनस 1 बाई 5, ठीक है, ये हमें न्यूमेरिकल दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 5 इसका एलसीएम लेंगे, 5 इंटू 12 8 माइनस और 5 1 करेंगे, तो वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए 12 माइनस 1 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब क्या हुआ 11 4 बाई 5, ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये एक मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसके अंदर हमें दूसरा टाइप का अगर दे दिया जाए, जिसके अंदर क्या होगा कि जो सिंबल है अगर माइनस ए, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, इस फॉर्म में अगर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें अगर फॉर्म में होगा तो माइनस का सिंबल अगर आ गया है तो सिर्फ पूरी जो डिजिट है उस पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, फिर बाद में फिर से वही ए माइनस वन डिवाइडेड बाई ये सॉरी ये वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, बस सिर्फ माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा। इसको अगर हम लेते हैं क्वेश्चन समझ के, माइनस 10, ठीक है, प्लस 1 बाई 5, ठीक है, तो इसको क्या होगा 10 माइनस 1 9 और 5 माइनस 1 4 बाई 5, ठीक है, ये माइनस का सिंबल लग जाएगा इसमें से, ठीक है। अब तीसरे टाइप का होता है क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों में माइनस लगा रहता है, ठीक है, माइनस ए माइनस एक्स बाई वाई, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जो एडिशन में करते थे वो का वही काम करना है हमें, सिर्फ माइनस का सिंबल बाहर लगाना है हमें, ए एक्स बाई वाई, ठीक है, ये मिक्स नंबर का था। इसमें और आपको मिक्स नंबर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि लोगों को ये इंपॉर्टेंट नॉलेज अपने दोस्तों के साथ मिल सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके क्लियर हो सके। ये आरआरबी एनटीपीसी आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।